सब्सक्राइब कीजिए टेक महातो यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बातें करेंगे लिनक्स के उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक्सिमम जो है सर्वर में यूज होते हैं और वह ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए ही बने हुए हैं। दोस्तों मैं हूं अरविंद महातो और आप देख रहे हैं टेक महातो यूट्यूब चैनल। इस चैनल में मैं लिनक्स से संबंधित और बहुत सारे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिए बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों मैंने 100 डे लिनक्स सर्वर मास्टरी कोर्स आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हूँ, जहाँ पर मैं लिनक्स बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक किस तरह से जो है एक लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोडक्शन एनवायरमेंट में काम करता है उसके बारे में इन डिटेल्स में प्रैक्टिकली एक वर्चुअल लैब के माध्यम से आपसे सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल में जानना तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस कोर्स के बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए हम दोस्तों हम चलते हैं अपने नोट्स पे। सो ये जो नोट्स मैं आप लोगों के क्रिएट किया हूँ तो इस नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर मैं और बढ़िया से एक इन्फोग्राफी के माध्यम से इस नोट्स को क्रिएट किया हूँ। और इस नोट्स को अगर पढ़िएगा तो आपको लिनक्स के ऊपर में काफ़ी डेप्थ नॉलेज होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं विच इज़ द बेस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सर्वर। यूं तो लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था बेसिकली वो सर्वर के लिए ही बना था। बात करते हैं यहाँ पर जितने तरह का जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, स्टोरेज कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर हम लोग बोलते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जो काफ़ी पॉपुलर है और उन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोगों को जानना जरूरी है अगर हम एक लिनक्स एनवायरनमेंट में काम करने जा रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पॉपुलर है। हमारे लिए इसमें सबसे जो पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह है उबंटू। उबंटू एक काफ़ी लाइट वेट और जो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इसका ग्राफिक्स इंटरफेस काफ़ी इंटरेक्टिव है और काफ़ी ईजी टू यूज़ है, जिस कारण से ये आम लोगों के बीच में काफ़ी पॉपुलर है। लिनक्स ये जो उबंटू है इसका दो वेरिएशन आता है, एक आता है डेस्कटॉप वेरिएशन, दूसरा आता है सर्वर वेरिएशन। तो सर्वर वेरिएशन जब हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में तो वो जो है विदाउट ग्राफिक्स हमको मिलता है और ग्राफिक्स का डालने के लिए हम बाद में इसे पैकेज को हम जो है अपडेट करते हैं, यानी कि इंस्टॉल करते हैं, करने के बाद हमारा ग्राफिक्स इंटरफेस हमें मिल जाता है। और उबंटू सर्वर जो होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, अगर हम चाहें तो उसका सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट के लिए हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज अगर सपोर्ट हमें नहीं लेना है तो हमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स है, राइट। नेक्स्ट हम लोग का सबसे अधिक जो पॉपुलर है वो है रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। ये एक कॉमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसे यूज़ करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उस सब्सक्रिप्शन का चार्ज आपको पेमेंट करना पड़ता है। जब चार्ज पेमेंट करते हैं तो आपको रेड हैट इंटरप्राइज जो है आपको एक सपोर्ट देता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। और अभी के समय में जो मैक्सिमम सर्वर होते हैं उन सर्वर पर रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स इंस्टॉल रहते हैं, और चूँकि यह पेड होने के कारण, यह कमर्शियल होने के कारण यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है और यह सॉफ्टवेयर जो है काफ़ी रिलायबल होता है, काफ़ी स्ट्रांग और सिक्योरिटी की तरफ से काफ़ी जो है ये बग फ्री होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर जो है वह है सूजे लिनक्स इंटरप्राइज सर्वर। ये भी एक लिनक्स का फ्लेवर है जो कि उन तरह के सर्वर में यूज़ होता है जहाँ पर साइंस से रिलेटेड अधिकतर काम हुआ करते हैं, वहाँ पर ये अधिकतर यूज हुआ करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है सेंटोएस। सेंटोएस रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स का ही एक पार्ट है, यानी कि उसी तरह का सेम फीचर्स, सेम पैकेज, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। क्योंकि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स वहाँ पर आपको पेड करना पड़ता है, यानी कि वो कॉमर्शियल लाइसेंस होता है, लेकिन यह जो है फ्री होता है लाइसेंस सेंटोएस, और आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर कोई सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ता है, किसी तरह का पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा डेबियन है। डेबियन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जिसका कोई एक पर्टिकुलर कोई मालिक नहीं होता है, लेकिन इसको जो है काफ़ी बड़े बड़े डेवलपर हैं उसको मैनेज करते हैं एक प्रोजेक्ट के माध्यम से, तो इसका भी यूज़ काफ़ी इंडस्ट्री में देखा गया है। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है
ओरेकल लिनक्स, ये अधिकतर इस तरह का जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डेटाबेस के लिए यूज होता है। ओरेकल काफी डेटाबेस जो पैकेज होते हैं उसको ये सपोर्ट करता है, तो उन डेटाबेस इसके ऊपर में बहुत बढ़िया चलता है। सो उन तरह के जो है काम के लिए अधिकतर ये यूज होता है। उसके बाद से है नेक्स्ट है मेगिया। मेगिया ओएस भी काफी पॉपुलर है, लेकिन ये ओएस जो है वो लिमिटेड जो है फीचर्स प्रोवाइड करता है, और इस लिमिटेड फीचर्स में जो है जो यहाँ पर MySQL वगैरह MariaDB वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर काफी ये काम आता है, राइट। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है क्लियर ओएस। क्लियर ओएस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपको रेड हैट की तरह जो है ये काम करता है, लेकिन इसका जो रिपोजिटरी होता है वो रिपोजिटरी जो है आप कस्टमाइज करके क्रिएट कर सकते हैं, और काफी इंटरफेस को जो है आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो होता है आर्क लिनक्स। आर्क लिनक्स अपने आप में काफी पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड जो है लिनक्स का फ्लेवर है, और यह जो है उन लोगों के बीच में पॉपुलर है जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करते हैं, उन लोगों के बीच में काफी ये जो है पॉपुलर होते हैं। और ये इसका रिपोजिटरी भी काफी स्ट्रांग होता है, यानी कि कम्युनिटी में इसका रिपोजिटरी काफी आपको मिल जाता है, सपोर्ट वगैरह भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, ठीक ना। उसके पास से है स्लैकवेयर। स्लैकवेयर लिनक्स जो भी एक भी ए भी जो है एक काफी पॉपुलर है, और ये उन लोगों के बीच में पॉपुलर है जो बेसिकली जो डेवलपमेंट से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफी डेवलप है। लेकिन अब इन सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां तक मैं देखा हूं, जहां तक मैं यूज किया हूं, हमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम काफी अच्छा लगा है और काफी यूज में है। एक नंबर है Ubuntu। Ubuntu हमें काफी देखने को मिलता है इंडस्ट्री वगैरह में जहां पर लिनक्स का काम होता है, और दूसरा होता है कि रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। इसके ऊपर में सर्टिफिकेशन होता है, इसके ऊपर में जो है काफी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है इसको, लेकिन अदर जो लिनक्स है उसको पढ़ाया नहीं जाता है। अगर आप रेड हैट इंटरप्राइज सीख लेते हैं तो बाद बाकी ऑपरेटिंग को इजीली आसानी से आप जो है मैनेज कर सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम पूरा का पूरा जो रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स के ऊपर में बातें करेंगे, और ये जब सीख लेते हैं इसका जो सर्टिफिकेशन होता है RSCSA और RSC, इसी सर्टिफिकेशन के ऊपर में पूरा का पूरा कोर्स हम लोगों का जो है केंद्रित करके रहेगा। और यहाँ पर हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे किस तरह से एक लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो है इंडस्ट्री में काम करता है। तो हमारे संग बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट और एक एक्साइटिंग वीडियो में। मैं हूँ अरविंद महातो, फाउंडर एंड टीचर ऑफ टेक महातो कंप्यूटर एकेडमी, साइनिंग ऑफ।